हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्टेड पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम का पेपर डिस्कस करेंगे यह पेपर आयोजित कराया गया है 22 अक्टूबर 2021 को तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद विच वैली रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा लाहौल और स्पीति घाटी से रोहतांग पास जोड़ता है कुल्लू वैली को सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर टू हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है एंटोनियो गुटरेस ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है जिम कॉर्बेट डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है क्वेश्चन नंबर फोर Which पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये प्रदान करता है ठीक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ठीक है ये क्वेश्चन हम हमने अपने मिनिमोक टेस्ट में भी किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो कि आर्टिकल थर्टी टू है बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा five, five in में, भारत में कौन सी पंच योजना लागू की जा रही है देखिए ये क्वेश्चन है फाइव ईयर प्लान भारत में केवल बारह ही हुए हैं दो हजार सत्रह तक आखिरी फाइव ईयर प्लान था जो की ट्वेल्थ था उसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई और फाइव ईयर की जगह लेके आए हैं थ्री ईयर प्लान ठीक है तो अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो इसमें बैठता है सी ऑप्शन करेक्ट ठीक है फोर्टींथ क्वेश्चन नंबर सिक्स हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं अगर ये उपाध्यक्ष की बात करता तो उपाध्यक्ष होते राजीव कुमार ठीक है तो सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन ंग दॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था एज टोल्ड यू बिफोर कि जितने भी एम्पायर इंडिया में हुए हैं मेन मेन उनके संस्थापक और उनके अंतिम शासक ये तो सबको रटके जाने होते हैं ठीक है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा विष्णु गुप्त बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर एट ये हमने अपने मॉक टेस्ट में भी डिस्कस किया था नीरज चोपड़ा इन ट्वेंटी ट्वेंटी ओलंपिक्स वन गोल्ड मेडल इन विच गेम सन 2020 में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भाला फेंक या जेवलिन थ्रो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फारनाइट थर्मामीटर रीड्स द सेम रीडिंग किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फारनाइट थर्मामीटर समान पड़ता है माइनस डिग्री सी बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन एयर बबल इन वाटर बिहेव एज पानी में हवा का बुलबुला डैश जैसा व्यवहार करता है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अवतल लेंस कॉनकेव लेंस ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ मेटीरियल दैट वर वंस अलाइव निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी तो कार्बन डेटिंग चौदह आपने सुना ही होगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं अरस्तु बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है फीमर फीमर अपर लेग में थाई में होती है सबसे बड़ी और स्ट्रोंगेस्ट बोन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है हाल ही में नियुक्त हुए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए 1971 की जंग के बाद उन्नीस में शिमला समझौता हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वेरी इजी क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था नरेंद्र नाथ डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है अगर आपने गिरिराज हिमाचल के वीडियोस देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे बिलासपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सी क्वेश्चन नंबर एटीन इन विच ईयर वर द फर्स्ट इलेक्शन टू विधानसभा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन राइट है 1951 नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फोर्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एन रमना बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है तो इस सवाल का सही जवाब रहेगा बयालीसवां संशोधन कब हुआ था ये 1976 में इसको जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन काफी संविधान में फेरबदल किए गए थे बयालीसवें संशोधन के तहत

प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का छियालीसवां राष्ट्रपति कौन चुना गया है जो बाइडेन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है अगेन वेरी इजी क्वेश्चन काफी बार डिस्कस किया जा चुका है रेणुका झील ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू टू सेंसस इलेवन विच

ठीक है थर्टी वन प्लस फिफ्टी नाइन ये हो गया नाइन्टी तो कोसिकेंड थर्टी वन को हम लिख सकते हैं सीकेंड फिफ्टी नाइन और ये तो फिफ्टी नाइन उसने दिया ही है सीकेंड फिफ्टी नाइन तो ये आपके पास क्या आएगा जीरो ठीक है सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज वट देखिए वन प्लस टेनजेंट स्क्वेयेयर ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी इक्वल्स टू होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा तो यहाँ से इसका आंसर आएगा वन ठीक है टेनजेंट स्क्वेयर को इधर ले जाओ वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन जेंट थीटा अगेन इजी क्वेश्चन ये आपके पास एक सर्कल है ये आपने एक उसमें सेक्टर बांट दिया ये इसका सेंटर है यहाँ पर एंगल उसने कहा थीटा है ये आपकी आर्क है ठीक है तो इसको हम लिख लेते हैं एल ठीक है लेंथ ऑफ आर्क ये रेडियस होगी सर्कल की आर्क ठीक है तो हमें बताना है लेंथ ऑफ आर्क क्या रहेगा देखिए बड़ा आसान है टोटल एंगल जो होता है पूरा वो कितना होता है थ्री डिग्री तो थीटा डिवाइड बाई टोटल एंगल कितना है थ्री डिग्री और मल्टीप्लाई विद टोटल सरकमफ्रेंस कितनी है टोटल सरकमफ्रेंस है टू पाई आर ठीक है तो देख लिए कौन सा मैच होता है ए मैच होता है ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉयड अगेन वेरी इजी क्वेश्चन ऐसे होता है क्यूबॉयड ठीक है तो इसमें आर का तो कहीं होगा ही नहीं कुछ जिक्र ये तो होगा ही नहीं ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो बचा क्या बी ठीक है और वैसे अगर देखना हो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू फिफ्टीन स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट कितने हैं फिफ्टीन है द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड वॉज रिकॉर्डेड तो ये पंद्रह स्टूडेंट्स के मार्क्स उसने रिकॉर्ड किए हमें बताना है मोड़ मोड़ क्या होता है बहुलक बहुलक मतलब कोई मार्क्स क्योंकि मार्क्स का जिक्र हो रहा है कोई भी अगर डेटा है वो सबसे ज़्यादा बार अगर आ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं मोड़ है ठीक है, है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फिफ्टी टू जो है वो तीन बार आया है ठीक है तो फिफ्टी टू हो जाएगा मोड़ बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ठीक है इससे ज़्यादा बार कोई रिपीट नहीं हुआ है फिफ्टी टू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उसका क्या हो जाता है मोड हो जाता है बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा पेपर का जो लेवल है वो नाइन्थ टेंथ क्लास तक का है ठीक है आसान पेपर आया है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन स्विता और किरण दोनों फ्रेंड हैं और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि दोनों एक ही डेट पर उनका जन्म हुआ हो इग्नोर करना है लीप ईयर को लीप ईयर को इग्नोर करना है यानी कि टोटल डेज कितने हो जाएंगे थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है दोनों एक ही दिन पैदा हो ऐसा केवल एक ही दिन हो सकता है एक ही चांस है उसके फेवरेबल केस कितना है एक ही है ठीक है सेम डेट पर ना हो तो वो हो जाएंगे थ्री सिक्सटी फोर बाई थ्री सिक्सटी फाइव उसने कहा कि सेम डेट पर हो तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी एक बड़ा तीन सौ पैंसठ अगर उसने कहा होता पूछा होता कि डिफरेंट डेट पर पैदा हो तो उसकी संभावना सबसे ज़्यादा होगी डिफरेंट डेट पर पैदा होने की संभावना होगी साल में तीन सौ चौंसठ दिन होते हैं आउट ऑफ थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा डी ठीक है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ हो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैग में तीन तो रेड बॉल है और पांच ब्लैक बॉल है उसने कहा कि एक बॉल हमने निकालनी है रेंडमली ठीक है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बाल हमने निकाली है वो रेड नहीं है रेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है आठ बाल टोटल है और पांच ब्लैक है फेवरेबल केस कितने हैं पांच है टोटल केस कितने हैं आठ हैं पाँच बटे आठ इसका आंसर रहेगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोई इम्पॉसिबल इवेंट है मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है जीरो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा फॉर्मूला इसमें यूज होगा आपको पता होना चाहिए कि मीन माइनस मोड़ मीन माइनस मोड़ ये किसके इक्वल होता है थ्री इंटू मीन माइनस मीडियन ठीक है ये आपको पता होना चाहिए अब उसने क्या कहा मीन को लिखते हैं कैपिटल एम से कैपिटल एम माइनस मोड़ को उसने लिखा एम कैप से इक्वल्स टू थ्री इंटू मीन को लिखते हैं कैपिटल एम से और मीडियन को इसने लिखा है एम बार से ठीक है तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए ये क्या हो जाएगा एम माइनस एम कैप बराबर है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके थ्री एम माइनस थ्री एम बार ठीक है इसको आप इधर ले आइए ये हो जाएगा थ्री एम बार बराबर है ये थ्री एम है थ्री एम माइनस एम माइनस एम कैप ठीक है और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है तो ये क्या बचा आपके पास टू एम प्लस एम कैप कौन सा आंसर मैच मैच कर कर रहा है? B. B कर रहा है है बी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन सेवनटी फाइव इन रियल नंबर सिस्टम पाई इज पाई कौन सी संख्या है इरेशनल नंबर होता है पाई इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते अंश बटे हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते ठीक है तो डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा रियल नंबर सिस्टम में पाई इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रस्ड बाय ए सिंपल फ्रैक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ एल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस टू जीरोस मतलब रूट्स है इक्वेशन के ये इक्वेशन उसने दी है तो एल्फा डॉट बीटा बताना है अल्फा बीटा हमें बताना है यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट हमें बताना है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होगा सी बाय ए

डी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन वन बाई एन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो बराबर है एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो तो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी कब होती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के तब इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती हैं कंसिस्टेंट होती है ठीक है अगेन इजी क्वेश्चन इसके हमें रूट्स निकालने हैं ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्स के टुकड़े करो ठीक है और पांच माइनस का रहेगा क्योंकि यहां पर माइनस तीन एक्स आया है और दो प्लस का रहेगा तभी एक प्लस का एक माइनस का है तभी मल्टीप्लाई होके माइनस टेन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है ठीक है बराबर जीरो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास रूट आएंगे पांच और माइनस दो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों रूट इक्वल होंगे कब कब होंगे देखिए रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट क्या होंगे माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए दोनों रूट इक्वल होंगे इसका मतलब ये फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है दो रूट होते हैं ना एक प्लस वाला और एक माइनस वाला ये फैक्टर जीरो हो जाना चाहिए तो बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए तभी दोनों इक्वल आएंगे थर्टी टर्म निकालनी है इसने एक ए पी दिया है फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म है टेन और डी डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा सेवन माइनस टेन डी क्या होगा सेवन माइनस टेन माइनस थ्री तो हमें थर्टी टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगा ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी की वैल्यू कितनी है माइनस तीन तो उनतीस गुना तीन एटी सेवन होता है माइनस एटी सेवन प्लस टेन तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म निकालना है एस टेन हमें निकालना है तो ये क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है तो एन कितना है दस टर्म का निकालना है तो दस बटे दो ठीक है टू ए फर्स्ट टर्म क्या है टू तो टू इंटू टू फोर हो गया यहाँ पर और एन की वैल्यू कितनी है दस है दस माइन माइनस एक दस माइनस एक नाइन हो गया नाइन इंटू डी तो नाइन डी की वैल्यू निकाल लो सात माइनस दो ठीक है तो नौ गुना पाँच पैंतालीस और चार उनचास उनचास गुना में पाँच फोर्टी नाइन इंटू फाइव डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ए बी सी ए पी में है ठीक है ए बी सी क्या है ये ए पी में है ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा यानी कि बी माइनस ए बराबर रहेगा सी माइनस बी के तो इससे आपको पता चलता है कि जो बी की वैल्यू आएगी बी को इधर ले जाओ टू बी हो जाएगा टू बी बराबर सी प्लस ए और बी लिखो यहाँ पर टू बी बराबर सी प्लस ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा सी प्लस ए बाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस हमें निकालनी है ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने मॉक टेस्ट में तो डिस्टेंस क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर ऊपर से अंडर रूट तो ये हो गया पाँच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस प्लस तीन का स्क्वायर नो थर्टी फोर तो ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ठीक है फिर इसने कहा कि दो पॉइंट्स हैं एक पॉइंट ये है माइनस वन सेवन और दूसरा पॉइंट है फोर माइनस थ्री तो एक लाइन है उसको कट करती है एक पॉइंट पे और दो और तीन के रेशो में कट करती है ठीक है तो हमें जहाँ पर कट करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो मान लीजिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई हैं ठीक है थीके? तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है दो को इस चार से मल्टीप्लाई करो दो गुना चार तीन को इस माइनस एक से करो तीन को माइनस एक से करो और तीन और दो पाँच इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ से कितना आएगा चार दूनी आठ आठ माइनस तीन पाँच बटे पाँच एक ठीक है तो ये तो सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा वाई की वैल्यू निकाल लो इसी तरीके से दो की माइनस तीन के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस सिक्स हो जाएगा सात गुना तीन करो प्लस इक्कीस हो गया और बटे में पाँच करना ही है तो पंद्रह बटे पाँच प्लस के पंद्रह है तो तीन आएगा तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइए अब हम मूव करते हैं हिंदी सेक्शन की तरफ क्वेश्चन नंबर 46 अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है उपसर्ग कहाँ लगते हैं पहले लगते हैं और प्रत्यय लगते हैं बाद में अगला क्वेश्चन प्रत्यय का ही है घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है घबराहट शब्द में आहट प्रत्यय है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा नमः चमकार ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा व्यक्ति शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है व्यक्तित्व तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 फादर बुलके की महत्वपूर्ण देन क्या है अंग्रेजी हिंदी कोश ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे सूरदास जी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लड़िकाई का अर्थ क्या है लड़का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कमर में पहनने वाले आभूषण का नाम बताइए नुपुर होता है वो पैर में पहना जाता है हार गले में पहना जाता है कर्णफूल कानों में तो 20 क्वेश्चन किंकणी किंकणी कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिस्मिल्ला खान संगीत के किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं शहनाई वादन में बिस्मिल्ला खान प्रतिष्ठित हैं ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है इसमें है शलेश अलंकार पानी यहां पर तीन बार यूज हुआ है और तीनों ही बार इसका अलग अलग अर्थ है तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है देवलोक शब्द का प्रायवाची शब्द क्या होगा स्वर्ग होगा डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा आकर्षण का विलोम विकर्षण बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है उन्नति ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा फिफ्टी नाइन निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है सन्यासी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है शुद्ध वाक्य अभिनेता महिला का नहीं अभिनेत्री यूज कर सकते थे आत्माशस्त्र से नई मरती बहन जी गाड़ी से आ रही है तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गुणवती महिला का सर्वत्र सम्मान होता है एकदम शुद्ध वाक्य है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द का विशेषण बताइए राष्ट्रीय ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद पर थूकना का अर्थ क्या है चांद पर थूकना मतलब किसी निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगाना या किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा सिक्सटी थ्री सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा पीले हैं अंबर जिसके का समस्त पद कौन सा है क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जहां समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है द्वंद समास होता है डी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आइए अब इंग्लिश सेक्शन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से ट्वेंटी नाइन हमें क्या करना है चूज द वर्ड क्लास टू विच द वंडरलाइन वर्ड इन ईस सेंटेंस बिलोंग्स दिस इज ए बुक दिस क्या है यहां पर दिस एक प्रोनाउन है डी क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन इज रनिंग फास्ट तो ट्रेन दौड़ रही है तो दौड़ने की विशेषता इसमें बताई गई है वर्ब की विशेषता बताई गई है एडवर्ब सी क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ही कैन नॉट डिसाइड वट टू डू डिसाइड यहाँ पर एज ए वर्ब यूज हुआ है बी बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज वेरी टॉल तो टाल यहां पर क्या है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है ठीक है अगर ये अंडरलाइन वेरी के नीचे होता तो वेरी क्या होता है यहाँ पर एडवर्ब वेरी क्या है यहां पर एडवर्ब है ठीक है और टाल क्या है यहां पर एडजेक्टिव ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी और थर्टी वन में हमें क्या करना है करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है कौन सा है ठीक है ही नोज हाउ टू स्विम ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नाई यू नोर आई वलेक्टेड

आई एम बीजी जस्ट नाउ बट आई विल ज्वाइन यू इन ए मोवमेंट ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स से थर्टी एट हमें क्या करना है चूज वन वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम हमें बताना है अनहैप्पी अनहैप्पी मतलब सैड बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आफ्रेड मतलब फ्राइटनड डर जाना और फेम फेम मतलब रेपुटेशन

ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा ये स्पेलिंग ठीक है कमेटी में डबल एम डबल टी डबल ई तो डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा हरासमेंट तो डबल एस आएगा हरासमेंट में एच ए आर ए डबल एस एम ई एन टी डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने टोटल एटी फाइव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग आवर वीडियो थैंक यू वेरी मच